दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी देश की डेवलपमेंट देखता है तब सबसे पहले वहाँ की रोड की कंडीशन देखी जाती है। रोड बनाने के बाद कुछ सालों में वह रोड धीरे धीरे खराब होने लगती है और उस रोड की रिकंस्ट्रक्शन करने में बहुत ही समय और मेहनत लग जाती है। लेकिन दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है। ऐसी मशीनों को मैन्युफैक्चर किया गया है जिनको यूज़ करके रोड कंस्ट्रक्शन और समय समय पर उनकी क्लीनिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। रोड की कंडीशन खराब हो जाने पर उनको रिकंस्ट्रक्शन करने से दुर्घटना का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको मॉडर्न रोड कंस्ट्रक्शन एंड क्लीनिंग मशीन्स दिखाने वाले हैं जिनके कारनामे बहुत ही एडवांस हैं। इन मशीनों को आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, तो इसको ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो सीरीज के साथ जुड़ जाइए ताकि अब तक हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। बारिश के मौसम में अक्सर रोड के साइड में मिट्टी का जमाव हो जाता है जिसमें कि घास उग आती है। इन चीज़ों से रोड की चौड़ाई कम हो जाती है और साथ ही साथ दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी समस्या का समाधान है यह मशीन। यह मशीन रोड की साइड को क्लीनिंग करने में बहुत ही इंजीनियस वर्क करती है। इस मशीन में बहुत से सार प्लेट लगे होते हैं जो कि बहुत ही आसानी से घास के साथ साथ मिट्टी को भी साफ कर देते हैं। यह मशीन मिट्टी और घास को अपने गाड़ी में ही कलेक्ट कर लेती है और साथ ही साथ उसे दूर एरिया में फेंक देती है। इस मशीन के द्वारा सफाई करने से समय बहुत कम लगता है और दुर्घटना होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। ब्रिक्स की रोड बनाने के लिए सबसे पहले छोटे साइज की गिट्टी डाली जाती है। उसे यदि हाथ से किया जाए तो लेवल बराबर नहीं आता है और रोड ऊपर नीचे हो जाती है। उसी चीज़ को इस टूल ने बहुत ही आसान बना दिया है। इस टूल में लगे प्लेट के द्वारा गिट्टी को बराबर लेवल में बिछाया जा सकता है। इसमें 6 छोटे छोटे टायर लगे हैं जो कि इसको आगे पीछे मूव करने में हेल्प करते हैं। इस टूल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके आप साइज को भी घटाया बढ़ा सकते हैं। यदि कहीं छोटे साइज में इसको लेवल करना है तो इसे आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। इस टूल के जरिए बहुत ही आसानी से गिट्टी को बराबर लेवल दिया जा सकता है। दोस्तों, पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके द्वारा ही हमें ऑक्सीजन मिल पा रही है और हम इस धरती पर जी पा रहे हैं। रोड के साइड में बहुत से पेड़ लगे होते हैं और उनकी शाखाएं रोड की तरफ बड़ी होती हैं जिससे कि आवागमन में बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं और एक्सीडेंट होने का खतरा भी होता है। इसीलिए रोड साइड की मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी होती है। उसमें यह रोबोटिक मशीन बहुत ही कारगर साबित हुई है। यह मशीन बहुत ही कम समय में और काफ़ी दूरी तक पेड़ की शाखाओं को काट देती है। यह मशीन बिल्कुल एक रोबोट की तरह वर्क करती है। इसमें सारपी प्लेट लगी होती है जो कि रोटेट करती हैं जिससे कि शाखाएं कट जाती हैं। यह मशीन ऊपर से लेकर नीचे तक सभी शाखाओं को काट देती है। इस मशीन के द्वारा सिर्फ पेड़ों की शाखा ही नहीं बल्कि उसके नीचे के घास को भी अच्छी तरीके से ट्रिम कर देती है जिससे कि रोड साइड की क्लीनिंग हो जाती है और वाहन को आने जाने में कोई समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों, ऐसी स्मार्ट रोबोटिक मशीन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। रोड को बहुत ही कम समय में कंस्ट्रक्शन करने के लिए यह लार्ज साइज मशीन बहुत ही कारगर साबित हुई है। इस मशीन के द्वारा डबल लेन रोड एक साथ बनाई जा सकती है। इसमें 2 मिक्सर मशीन जुड़े हुए हैं जिसके द्वारा रोड कंस्ट्रक्शन करने में बहुत ही कम समय लगता है। इस मशीन के द्वारा मिक्सर को लेवल करने के साथ साथ उसमें प्रेशर डालने का काम यह मशीन ऑटोमेटिक कर लेती है। इस मशीन के द्वारा रोड कंस्ट्रक्शन करने से रोड की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होती है और डबल लेन रोड बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। रोड बनने के बाद उसमें मार्किंग करने की ज़रूरत होती है जिससे कि लोगों को पता चल पाए कि किस जगह में हम ओवरटेक या फिर क्रॉस कर सकते हैं। इसी प्रिंट को यदि हाथ से किया जाए तो उसमें समय और मेहनत तो ज़्यादा लगेगी ही और साथ ही साथ फिक्स मार्किंग नहीं होगी। उसमें यह ऑटोमेटिक रोड स्प्रे पेंटिंग मशीन बहुत ही इनक्रेडिबल वर्क करती है। यह मशीन बहुत ही कम समय में काफ़ी लंबी दूरी तक स्प्रे पेंटिंग से मार्किंग कर देती है। इस मशीन में सेंसर लगे होते हैं जिससे कि यह स्कैन करके उसी जगह में पेंट करती है जहां पर पहले से ही पेंट हो। यह पेंट थर्मोप्लास्टिक का बना होता है जो कि काफ़ी समय तक टिका रहता है और इसमें रिफ्लेक्टिव ग्लास बीड्स का उपयोग करते हैं जो कि दूरी से ही देखने पर पता चल जाता है। इन मशीनों का यूज़ करने से घंटों का काम मिनटों में हो जाता है जिससे कि समय की बचत हो जाती है और काम में तीव्रता आ जाती है।
रोड के साइड में पानी आने जाने के लिए जो नहर बनाई जाती है उसमें अक्सर घास उगाती है। उसे साफ करने के लिए यह मशीन बहुत ही इंजीनियस वर्क करती है। इस मशीन में 4 ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि घास को अंदर तक ट्रिम कर देती है। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि यह मशीन घास को ट्रिम करके उसे ऊपर की तरफ फेंक देती है, जिससे कि नहर की सफाई काफी अच्छी तरीके से हो जाती है। दोस्तों, रोड क्लीनिंग में उसकी धुलाई करना बहुत ही जरूरी है। उसे भी यदि हाथों से किया जाए तो उसमें समय के साथ साथ मेहनत भी बहुत लग जाती है। उसी चीज को इस हाई प्रेशर रोड वॉशिंग मशीन ने बहुत ही आसान कर दिया है। इस मशीन के हाई वाटर प्रेशर के द्वारा रोड की सफाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाती है, जिससे कि कोई गंदगी रोड में नहीं बचती है। इन मशीनों के द्वारा हमारे सिटी के रोड की सफाई करके हमारे सिटी को क्लीन और स्मार्ट सिटी में बदला जा सकता है। दोस्तों, ऐसी मशीनों को हमारे सिटी के रोड की वॉशिंग करने के लिए यूज़ में लाना चाहिए। इस रोड वॉशिंग मशीन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। रोड के साथ साथ गाड़ियों की पार्किंग एरिया बनाने के लिए यह ब्रिक्स लेयरिंग मशीन बहुत ही इंजीनियस वर्क करती है। यह मशीन बहुत से ब्रिक्स को एक साथ पकड़कर एक साइड से रखती जाती है, जिससे कि एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया रेडी हो जाता है। यह मशीन बहुत ही सटीक काम करती है और इसके द्वारा बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया तैयार हो जाता है। अधिकतर ठंड के मौसम में कुछ जगहों में स्नोफॉल हो जाती है, जिससे कि कार वगैरह फिसलने लगती हैं और आने जाने में बहुत ही समस्याएं होती हैं। इन कारणों से एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। उसमें यह स्नैप लॉन्ग मशीन बहुत ही इनक्रेडिबल वर्क करती है। इसके अगले पार्ट में रोटेटेबल प्लेट्स लगे होते हैं जो कि स्नो को कल्टिवेट करते हैं, जिससे कि स्नो को साइड करते हुए आगे बढ़ती जाती है। दोस्तों, यह मशीन काफ़ी तेज़ी से स्नो को साइड करके बहुत ही कम समय में रोड की क्लीनिंग कर देती है, जिससे कि आने जाने में कोई समस्या नहीं होती है। बारिश के मौसम में रोड के पानी के साथ साथ कूड़ा कचरा भी बहता है, जो कि रोड के साइड में जम जाता है, जिससे कि वाहनों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी समस्या का हल है यह वैक्यूम स्वीपर मशीन। यह मशीन बहुत ही इंजीनियस वर्क करती है। इस मशीन में डुअल ब्रश लगे होते हैं जो कि रोटेट करते हैं, जिससे कि रोड साइड की क्लीनिंग काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो जाती है। इस मशीन में वैक्यूम का भी सिस्टम ऐड है, जो कि कूड़ा कचरा को अपने कंटेनर में ही कलेक्ट कर लेती है और उसे दूर एरिया में फेंक देती है। हाईवे रोड पर अक्सर ट्रैफिक जाम लग जाता है, इसीलिए वहां पर बैरियर्स लगाए जाते हैं, जिससे कि लेन को बढ़ाया जा सके। लेकिन दोस्तों, इन बैरियर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में बहुत ही दिक्कत होती है। उसी वर्क को इस बैरियर ट्रांसफर मशीन ने बहुत ही आसान कर दिया है। यह मशीन मूवेबल मीडियम बैरियर्स को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से रिपोजिशन कर देती है। इस मशीन के द्वारा लेन की चौड़ाई घटाई या बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि ट्रैफिक जाम होने जैसी समस्याएं बहुत ही कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन सभी मशीनों में से सबसे बेस्ट मशीन आपको कौन सी लगी और कौन सी मशीन हमारे सिटी या फिर हाईवे रोड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो स्क्रीन पर आ रहे चैनल के लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब तक हमेशा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो के बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। पिछली वीडियो में प्यार भरा कमेंट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीन में आपको दो और वीडियोस दिख रही होंगी जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, इन्हें आप जरूर देखिए।